हेलो एवरीवन, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से मिले और वो बहुत अच्छी इंग्लिश में बात कर रहा है, फ्लुएंटली वो इंग्लिश में बात कर रहा है और आपको यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं वो फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो आपका भी मन करता होगा कि आई विश मैं भी ऐसी इंग्लिश बोल पाता या बोल पाती। तो ऐसी क्या बात होती है, ऐसा क्या होता है हमारे साथ, हम क्यों इंग्लिश नहीं बोल पाते, हम चाहकर भी क्यों नहीं बोलना चाहते। कुछ लोगों को तो आता है इंग्लिश, दे नो वेरी वेल हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, बट दे डोंट वांट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो ऐसा क्या रीज़न है? कुछ लोग तो शायद ये सोचते हैं कि अगर मैं इंग्लिश में बोलूँगा तो लोग हंसेंगे मेरे पे, कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं इंग्लिश में बात करूँगा तो लोग बोलेंगे अपनी इंग्लिश शो कर रहे हैं, और कुछ लोग को तो आता है बोलने बट सबसे बड़ा फेयर उनका होता है, वो हेजिटेट होते हैं कि अगर मैं इनकरेक्ट इंग्लिश बोलूँगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। बट आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग गाइज, एज लॉन्ग एज इफ यू थिंक नेगेटिवली अबाउट योर सेल्फ यू विल कंटिन्यूसली फीड योर इनसिक्योरिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थिंक पॉजिटिव, थिंक लाइक दिस, येस आई कैन डू, येस आई कैन स्पीक इन इंग्लिश लाइक देम। You need to think you are as important as any other human being, even if you look different, even if you are not belong from high society family, even if you don't excel at anything. You need to think guys, you are not a flaw of nature, there is reason you are alive, so believe yourself, keep practicing, speak in English and definitely one day you will be able to speak fluently in English if you keep practicing. Friends, if you like my video, so don't forget to like and subscribe. Bye-bye. Keep practicing. Speak in English.